लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स के लिए माय क्रिकेट प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश। आपने ट्यून इन किया है माय क्रिकेट प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आईपीएल 2018 की नीलामी के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने एक सबसे बड़ी मुश्किल अब यही है कि गंभीर के जाने के बाद आखिर कौन सा खिलाड़ी है जो करेगा कप्तानी केकेआर की टीम की। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा आपको उन चार खिलाड़ियों के नाम जिन्होंने दावेदारी ठोक दी है कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करने की। साथ ही दोस्तों ये भी जानिए कि कितने प्रतिशत चांसेस हैं उनके केकेआर के कप्तान बनने के। दोस्तों नंबर चार पर नाम आता है वेस्ट इंडीज के स्पिनर सुनील नारायण का। सुनील नारायण दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स से जब से वो आईपीएल का हिस्सा है वो केकेआर का ही हिस्सा बने हुए हैं। वेस्ट इंडीज टीम की तरफ से भी दो या तीन बार उन्हें कप्तान चुना गया। हालांकि उनकी कप्तानी में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कहीं भी नहीं रहा है। डोमेस्टिक लेवल पर भी उन्होंने वेस्ट इंडीज में कप्तानी की है और उनकी जो लीग्स होती हैं T20 लीग्स होती वहां भी उन्होंने कप्तानी की है, लेकिन कप्तान के रूप में एक अलग छाप सुनील नारायण नहीं छोड़ सके हैं। इसलिए दोस्तों इनके कप्तान बनने के चांस सिर्फ 30-40% है, मतलब लगभग ना के बराबर चांस है, और एक बहुत ही सरप्राइज ही होगा कि केकेआर इन्हें कप्तान बना दे। दोस्तों नंबर तीन पर नाम आता है क्रिस लिन का। क्रिस लिन का ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि इन्होंने कप्तानी की है, लेकिन एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते और एक विस्फोटक बल्लेबाज होने के नाते इन पर दोस्तों कप्तानी की जिम्मेदारी कोलकाता नाइट राइडर्स का मैनेजमेंट जो है वो छोड़ सकता है। हालांकि दोस्तों क्रिस लिन के साथ समस्या ये सामने आ रही है कि बिग बैश लीग में जब उन्हें एक बार कप्तानी दी गई थी तो उनका परफॉर्मेंस जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों इनके साथ चोट भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये बीच में चोटिल हो जाते हैं जैसा कि 2017 में हुआ था तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की मुश्किलें और बढ़ सकती है। इसलिए दोस्तों इनके कप्तान बनने के चांसेस 40-50% के करीब हैं। दोस्तों अब बात है नंबर दो की, तो दूसरे नंबर पर दोस्तों नाम आता है दिनेश कार्तिक का। दिनेश कार्तिक को एज ए विकेटकीपर बल्लेबाज खरीदा है इस ऑक्शन में। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अच्छे खासे पैसे इन पर इन्वेस्ट किए हैं। हालांकि दोस्तों कप्तानी की बात करें दिनेश कार्तिक के साथ, तो एक अच्छा खासा रोल दिनेश कार्तिक निभा सकते हैं कप्तानी की दौड़ में। टॉप टू में है ये दोस्तों। इनके साथ सबसे बेहतरीन चीज इनके पक्ष में ये जाती है कि लोकल लेवल के टूर्नामेंट जो तमिलनाडु में होते हैं, चेन्नई में होते हैं, वहां पर कप्तानी कर चुके हैं। एक दो बार दोस्तों ये बड़े लेवल पर रणजी की कप्तानी तो करते हैं, बड़े लेवल पर भी दोस्तों ये अपनी तमिलनाडु की टीम की कप्तानी कर चुके हैं। और मुख्य बात ये है दोस्तों कि इनका प्रदर्शन अच्छा रहता है, इसीलिए दोस्तों कीपर की भूमिका भी देखें, इसीलिए दोस्तों इनको भार संभालने को दे दिया जा सकता है कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी का। हालांकि दोस्तों इनके जो कप्तान बनने के चांसेस है वो 70-80% के हैं, मतलब ब्राइट चांस है कि ये कप्तान बन सकते हैं। दोस्तों अब है टॉप खिलाड़ी नंबर एक पर, वो खिलाड़ी जिसे कप्तान बनाया जा सकता है केकेआर की टीम का। उस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों रॉबिन उथप्पा। लगभग दोस्तों 80-90% चांसेस हैं कि यही अगले कप्तान होने वाले हैं। महत्वपूर्ण चीज़ इनके पक्ष में ये चली जाती है दोस्तों कि ये बहुत दिनों से कोलकाता नाइट राइडर्स की लॉयल्टी के साथ जुड़े हुए हैं, केकेआर की टीम के साथ जुड़े हुए हैं। इन पर विश्वास किया जा सकता है, लोकल टीमों की भी ये कमान संभालते हैं और इन पर विश्वास किया जा सकता है मैनेजमेंट ग्रुप के द्वारा। और अभी तक की जो रिपोर्ट्स और खबरें आ रही हैं ये अगले कप्तान हो सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के। तो दोस्तों ये तो थे चार दावेदार जो हो सकते हैं केकेआर के कप्तान। दोस्तों आपके हिसाब से कौन होना चाहिए केकेआर का अगला कप्तान, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। साथ ही दोस्तों आप हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।